और आज मैं बात करने वाली हूँ बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में। इसके कारण क्या है, इस प्रकार की प्रवृत्ति, ऐसी एक्टिविटीज़ में लोग क्यों एंगेज करते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। फर्स्ट इज ग्रुप पोलराइजेशन, जिसका मतलब है कि जब हम एक डिसीजन लेते हैं ग्रुप में, यानी बहुत सारे मेंबर्स एक साथ होते हैं, तो वो डिसीजंस एक्सट्रीम होते हैं। इस चीज़ का रिसर्च तब हुआ था जब पता चला था कि कोई क्रिमिनल के अगेंस्ट में जब एक जज डिसाइड करता था तो उसका तो भी फेयर जजमेंट होता था, बट दो तीन लोगों की वजह से उनको अच्छा एक जजमेंट आता था कि किस प्रकार की एक सज़ा होनी चाहिए किसी क्रिमिनल के लिए। पर जैसे ही जजेस की मात्रा बढ़ती गई, यानी अगर 7, 8, 10 जजेस बैठे होते थे, तो वो एक्सट्रीम डिसीजंस लेते थे एक छोटे से क्राइम के लिए भी, और वही क्राइम के लिए अगर किसी इंडिविजुअल को बिठाया जाए तो उतना मेजर डिसीजन नहीं लिया जाता था। जिसका मतलब ये होता है कि जब हम बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं तब हमें लगता है कि ओह ये भी ये सोच रहा है, ये भी ये सोच रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक फॉलेसी कहते हैं, एक विचारधारा आ जाती है कि ओह इतने सारे लोग कहते हैं मतलब ये ऐसा ही होगा, यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस एग्जैजरेटेड हो जाती है और हमारा डिसीजन एकदम एग्जैजरेटेड हो जाता है। तो बॉयज़ लॉकर रूम के केस में आप देखेंगे कि जब बहुत सारे लोग अगर कोई एक चीज़ पर कि भाई इसका फ़ोटो भेजो, ये लड़की से बात करो, हुकअप के लिए उसे बुलाओ, ये प्रकार की जब बहुत सारे लोग बात करने लगते तो दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट टेकिंग एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डिसीजन, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ बातें, एक्सट्रीम लेवल की बातें होने लगती है, गैंग रेप से लेके वो सभी की। सो ग्रुप पोलराइजेशन इज अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एनीबडी, इफ यू आर ऑल्सो इन दैट प्लेस, इट्स लाइकली टू हैपन, बिकॉज एक बड़े ग्रुप में जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो वो एग्जैजरेटेड हो जाती हैं। दूसरा कारण है डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर हम होते तो हम जूस को इस प्रकार मार नहीं डालते, क्योंकि कॉमन लोग, आप और मेरे जैसे लोगों ने लाखों लोगों का मर्डर किया है, मार डाला है उन्हें, ये जीनोसाइड जब होता है तब कॉमन लोग ही एक दूसरे को मार डालते हैं। तो हम सोचते कि इफ वी वर इन दैट प्लेस हम ये कभी नहीं करते, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस एक एक्सपेरिमेंट स्टैनली मिलग्राम ने किया था, जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस पे उन्होंने लोगों को इस प्रकार शॉक देने का एक, देयर वाज एन अथॉरिटी फिगर जो पार्टिसिपेंट को बोलते थे कि अगर दूसरे लड़के ने गलत स्पेलिंग बोली तो आप उनको शॉक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाला शॉक देना, और उस पर पता चला कि 75% लोगों ने डेडली वोल्ट्स तक के शॉक भी प्रेस किए अगर अथॉरिटी ने बोला कि ये करो। यानी अगर कोई अथॉरिटी हमें कुछ कहता है तो चाहे वो चीज़ गलत हो या सही, हम ओबे करने लगते, बिकॉज योर ह्यूमन माइंड इज लाइक द कुछ भी, जैसे फेयरनेस क्रीम ने हमारे माइंड में ब्यूटी की डेफिनेशन बना दी। क्यों? क्योंकि किसी ने एड में बोला कि पहले तो मैं बहुत दुखी थी, मैं काली थी, लेकिन मैंने लगाया एक फेयरनेस क्रीम और अब मेरे दोस्त बन गए, मुझे नौकरी मिल गई। सो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस का मतलब ये होता है कि हम ओबे कर लेते हैं अगर किसी ने कुछ कहा, अगर वो गलत भी हो, चाहे वो किसी की मौत, इट लीड्स टू फेटल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, तो भी हम उस चीज़ को ओबे कर लेते हैं, बिकॉज हम बचपन से वी आर वायर्ड टू ओबे। ओबे को हम बहुत, डिसोबीडियंस को रादर एक गलत चीज़ कहा गया है, पर ओबीडियंस को बहुत अच्छी चीज़, बट ओबीडियंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव। एंड इस केस में लॉकर रूम में भी काफ़ी यू नो लॉट ऑफ पीपल हु आर एंगेजिंग इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, वो इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। तीसरा जो पॉइंट है वो है कन्फॉर्मिटी का, यानी हम और आप, हम सबको जो टीनेज फेज में होते हैं वो कूल ग्रुप से बिलोंग करना होता है, ज़िंदगी भर में वो कूल ग्रुप से बिलोंग करना होता है, और उसके लिए हम सिगरेट पीने लगते, दारू पीने लगते, अ लॉट ऑफ पीपल एंगेज इन सेक्स इवन इफ दे डोंट वांट टू एट दैट पॉइंट, इफ दे डोंट फील रेडी, दे डोंट फील प्रिपेयर्ड, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कूल ग्रुप, जिसे हम कन्फॉर्मिटी बोलेंगे, कन्फॉर्म करना है टू, बिकॉज हमें लगता है कि इससे हम उस ग्रुप का एक हिस्सा हो जाएंगे। दैट्स वाई वी डू दिस काइंड, वी डू दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच वी मे नॉट वॉन्ट टू डू इट। और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें ये कहा गया है कि एक पार्टिसिपेंट, और उसको अगर ऐसा भी सवाल पूछा जाए कि 2+2 क्या होता है, और उसके साथ 7 लोग होंगे, और वो 7 लोग ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटर के साथ वाले लोग होंगे, और वो 7 लोग अगर 5 बोलेंगे
तो आप पार्टिसिपेंट होंगे तो यू आर ऑल्सो लाइकली टू से 5 बिकॉज यू वॉन्ट टू कन्फर्म इन द ग्रुप. आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको ग्रुप से एक्सक्लूड कर दे, आप नहीं चाहते हो कि आप अलग हो जाओ या आप वो ग्रुप का हिस्सा ना बनो, एंड दैट्स अ फैक्ट. इस प्रकार के बहुत सारे कन्फॉर्मिटी के एक्सपेरिमेंट्स हुए. तो यहाँ पर बॉयज लॉकर रूम में अ लॉट ऑफ पीपल मे बी अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ कन्फॉर्मिटी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल शेयरिंग हेट राइट नाउ आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ कन्फॉर्मिटी. सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि वाई इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग. अगर आप इस प्रकार के ग्रुप में हैं या अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सिगरेट से एडिक्टेड हैं, मेरे पास जो काउंसिलिंग के लिए लोग आते हैं एट द एज ऑफ 20-21 इज बिकॉज दे स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू कन्फर्म टू देयर ग्रुप कि भाई मुझे कूल ग्रुप के गैंग में जाना था इसलिए मैंने स्मोकिंग शुरू कर दिया. एंड देन दे ऑलवेज वॉन्ट टू, बट दे एक लाइफ में हैबिट हो जाती, दे ऑलवेज वॉन्ट टू लेट गो ऑफ इट, बट इट बिकम सो डिफिकल्ट. सो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आर वी कन्फर्मिंग टू सम थिंग्स जस्ट टू बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, और आर वी जेन्यूनली डूइंग इट बिकॉज वी वॉन्ट टू डू. वॉट गर्ल्स नीड टू डू, सबसे पहली चीज़ है कि स्प्रेड अवेयरनेस नॉट हेट. जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि अभी बहुत सारी नफरत फैल रही है, मेन आर लाइक दैट, बॉयज़ विल बी बॉयज़ एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में. बट हमें अवेयरनेस करना है कि गर्ल्स हैव टू बी मोर केयरफुल टू नॉट गेट इन टू सच ट्रैप्स, यानी वो इन जालों में ना फंसे. उसके लिए अवेयरनेस करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. आप शेयर करें, लड़कियों को बताएं कि भाई आप इन चीज़ों से, इन एक्टिविटीज़ से आप अपने फ़ोटोज़ ना भेजें. आप कोई अगर हुकअप करने कहता है, अननोन हो, उनके साथ आप ना जाएं. ये सब करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नफ़रत फैलाना ये गलत है, क्योंकि नफ़रत फैलाने से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा. और अभी एक पूरा एक वॉर, एक गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ जैसा वॉर हो शुरू हो चुका है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिसके वजह से मैंने देखा है कि स्पेशली यंग बॉयज़ जो होते हैं 14-15 ईयर्स के, जिन्होंने अभी तक, एंड दे कम फ्रॉम अ फैमिली, दे आर फेमिनिस्ट. मैंने देखा है बहुत सारे लड़के जो फेमिनिस्ट है, जो औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन चीज़ों के अगेंस्ट में है, उनको भी अगर हम बोलते हैं कि तुम मर्द एक जैसे तुम, तो दे फील एक्सट्रीमली हर्ट एंड इट डैमेजेस देयर सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से ऑफ हो गए हैं, बहुत सारे लोग विड्रॉ कर चुके हैं. पीपल क्राई, देर आर बॉयज़ हु क्राई, हु फील बैड अबाउट इट. आई गेट काउंसिलिंग कॉल्स कि आई कॉन्ट टेक इट, यू नो, आई डोंट फील कम्फर्टेबल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ गर्ल. मुझे एक लड़की से बात करना भी कम्फर्टेबल नहीं फील हो रहा है, बिकॉज आई फील दैट ऑल मैन आर लाइक दिस. शायद मेरे वजह से Am I causing discomfort to another girl? इस डर से we are causing that kind of damage to somebody's self-esteem. So इन चीज़ों से हमें दूर रहना है. Second thing is don't attack your friends and family members. मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ अपने best friends को, अपने boyfriends को, अपने partners को, अपने parents को, यानी अपने fathers को, अपने brothers को, उनको अनकम्फर्टेबल फील करवाते कि ऑल मैन आर द सेम. दैट इज़ नॉट द ट्रूथ. डोंट ब्लेम पीपल हु हैव नॉट बीन इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. अ लॉट ऑफ पीपल आर शेयरिंग, अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट जनरली शेयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल, ओके, दे आर अगेंस्ट द होल कॉन्सेप्ट एंड दे आर नॉट सपोर्टिंग द बॉयज़ लॉकर रूम. लेकिन वी कम एंड गो एंड ब्लेम देम डायरेक्टली. लड़कियाँ गालियाँ दे रही हैं लड़कों को, लड़कियाँ बुली कर रही हैं लड़कों को, दैट वी आर नॉट सपोज टू डू. डोंट जनरलाइज, ओके, एंड आफ्टर ऑल इट ऑल्सो डैमेजेज योर रिलेशनशिप. सो डू नॉट एंगेज इमोशंस में आके, गुस्से में आके जो आप शब्द बोलते हैं. वर्ड्स स्पोकन इन एंगर कैन नॉट बी टेकन बैक. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर सेइंग टू हुम एंड डोंट ट्राई टू इनडायरेक्टली अटैक पीपल, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ दिस वर्ल्ड वर्क्स विथ वीमेन एंड मेन. आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर वीमेन एम्पावरमेंट आर मैन. सो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली ब्लेम एवरीबडी, एवरी बॉय अराउंड यू, एवरी मैन अराउंड यू. डोंट मेक देम फील एक्सट्रीमली बैड अबाउट बीइंग अ मैन, बिकॉज आफ्टर ऑल द वर्ल्ड वर्क्स विथ बोथ, वी नीड देम. यू जस्ट कैन ब्लेम एवरी पर्सन फॉर सम एक्टिविटीज दैट अ फ्यू बॉयज हैव डन. ये वो बागबान फिल्म जैसा है जो कॉमेडियंस बनाते कि भाई बागबान फिल्म देखने के बाद हर माँ बाप अपने बच्चों को चिल्लाने लगते कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा. बट दैट्स अ फिल्म एंड उसमें कुछ बच्चों ने ये किया. दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन वी आर ऑल गोइंग टू डू दैट विद आवर पेरेंट्स, राइट. थर्ड इज डोंट बी अ विक्टिम, बी अ विक्टर. वी डोंट हैव टू बी विक्टिम्स ऑफ रेप कल्चर. दैट हमारे साथ, औरतों के साथ, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, वी डोंट हैव टू बी दैट. We are not going to be victims. We are going to be victors. We have to fight this out. And we are here together in it. Instead of
fighting with all people around you, let's come together, let's be with the people who are with you. Let's just take charge. First, let's start respecting our own selves. Don't let other people cross that boundary of self-respect. Agar koi aapko shame kar raha hai, just because you're a woman, don't allow that. So first, you start respecting yourself, start loving yourself, start accepting yourself the way you are. Start appreciating your self-worth. And then we can be victors and not victims. Fourth point is, don't generalize. That is general, ki haan har mard aisa hota hai, don't do that. Because we don't like to be generalized. Agar koi bolta hai ki har aurat aisi hoti hai, mardon ka dil todti hai and all of those kinds of, we don't like to listen to that. And the same way, there are people out there are men out there are fathers, there are brothers who want to take care of you, there are friends like that who will do anything to take care of you and to protect you. So don't generalize, because that is something that you would not want upon yourself either. And speak up and reach out. There's no harm in, if you feel extremely scared, if you're coming from backgrounds which are painful, you know, where you have faced a lot of problems, you have faced abuse, you are facing domestic violence, or you're facing problems, it's important for you to speak up, to reach out. Because especially women who are suppressed and they are born with those sanskar ki ghar ki baat kisi aur ko nahi batani hai, don't do that. Speak up, reach out for help. If you think abhi in this time, in quarantine, there is free counseling available even in India by Prafulta, by government organizations, you can avail them. Speak up and reach out. Don't keep the pain within you. And there's a quote, face your problems, don't Facebook them. So just bhadas nikalne se, Instagram pe wo gusse mein aaye words ko bolne se, we are just spoiling relationships with the good men in our life. Instead of that, speak up about what you feel. If it's really painful and if you need professional help, do reach out to a psychologist. Speak up. First, give information. If you know friends, if you know people who've engaged in that, when I've worked in the juvenile observation home, I've seen some cases, you know, when friends know that the other friend has raped and murdered another woman, but they don't tell the police, you know, they don't get involved in the rape, but they don't tell, don't do that. If you have any information, do share it. You don't need to share it on Instagram and on social media, but share it with the right people, you know. So this kind of, I have known people who have friends who take videos of women, you know, who call women, hook up with them and take videos of them and then leak them. If you know people who do such things, please give the information to the police, to the right people. Second is, don't engage in such talks and such acts. I don't need to say, because of your men and watching this video, I'm sure you don't engage in that. But yet, if you know people who are provoking you, the best thing is, you know, to either educate them, because they themselves don't know, or yourself don't engage in these kinds of behaviors. That itself is a very helpful thing, because if people trying to do this don't get massive support from the boys, they will not be able to do a lot of stuff that they are already doing. Third is, don't take such blame. So if there are women around you, girls around you, who've started blaming you and started putting that all men are like that and you're like this and you're like that, you don't have to take it. You don't have to take the responsibility. Don't get affected by it. I know a lot of boys do get affected by it. They stop contact with women. They start feeling uncomfortable to even talk to girls. I think you don't need to do that, because finally it's a girl and a boy who come together to make a happy relationship. It's a boy and a boy, it's a girl and a girl, and it's a girl and a boy too. So it's not just a boy and a boy make a good relationship and a girl, but it's also a boy and a girl. And what the boy has to offer in a girl's life, what men have to offer to women, and what women have to offer to men are both unique and complementary. So the world will not work without your contributions. So you don't have to take the blame that, oh my God, so bad, women feel like this because of me, etc. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैं बॉयज़ को क्या करना है और गर्ल्स को क्या करना है दोनों को भी टैकल करूँगी, बट इन जनरल हम सुपरफिशियल लेवल पर इसे चेंज करना चाहते हैं. बट जब लड़कियाँ आज जो इतनी गुस्सा हो रही हैं, हम खुद जब क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो जो आइटम टाइप के जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, वुमन औरत को एक वस्तु कहा जाता है, उन सॉन्ग्स पे तो हम ठुमक ठुमक के डांस करते हैं. वी डोंट माइंड, वहाँ पे वी नीड टू स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एट एवरी सिंगल लेवल कि क्यों एक औरत एक चीज़ है.
Why are we accepting that firstly? Why is a woman dancing on a song like that? Why is a woman also approving a song like that? क्योंकि ये songs are not just songs. हमें लगता है कि songs entertain करके हमें छोड़ देते. No, songs influence us very 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 strongly. They extremely strongly influence us. And इसीलिए हमें we have to be extremely careful about what we are choosing to dance on. What हम कौन से हम crime की series देखते हैं, movies देखते हैं जहाँ पे crime को glamorize किया है. Crime is glamorized. Now, you know, just like a woman is objectified, एक औरत को वस्तु बनाया है, crime को एक glamorous चीज बनाई है, and we enjoy watching that. हम देखते हैं, it's like कौन कर रहा है, वो बोलते हैं, वो देखते हैं, इसलिए हम बनाते हैं, और हम बोलते हैं, वो बनाते हैं, इसलिए हम देखते हैं. It's not like that. We need to begin a protest at that particular level. We watch porn. We don't need to share all of these. आजकल तो मैं देखती हूँ, you know, aunties share करती हैं प्रकार के video कि ये लड़की ने अपने choice के लड़के के साथ शादी की, तो देखो इसको किस प्रकार जलाते हैं. And the whole video of a girl being burnt alive is shared on Facebook. And I am told, बेटा बेटा तुम अपने Facebook में डालो ताकि और लोगों तक. No, you're not supposed to share all of this because it leads to desensitization. आप पहले के ज़माने में मर गया is what was a big deal. Now, मरने के videos, violent rape videos, porn, movie scenes में violent rapes, ये चीज़ हम देख के it's just normal. In fact, ये form of art के नाम पे बहुत गलत हो रहा है because लोगों को लगता है wow यार क्या direction, क्या acting किया. No, but that's leading to desensitization. We have become a lot more desensitized to all of these sensitive topics. We don't care. अच्छा वो लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसकी photos leak कर दी. अच्छा अच्छा चलो खाने चलते हैं. इट्स नॉट दैट सिंपल. यू जस्ट कांट लेट गो ऑफ समथिंग एज स्मॉल एज दैट. सो वी नीड टू लीव, वी नीड टू एट दैट लेवल वी नीड टू स्टॉप वॉचिंग सच काइंड ऑफ वीडियो, स्टॉप शेयरिंग दैम. एंड आई वुड फाइनली लाइक टू एड अनदर थिंग अबाउट पेरेंट्स, दैट सेक्स एजुकेशन इज अ मस्ट. कंसेंट, टीचिंग कंसेंट टू योर किड्स, टीचिंग Giving a proper sex education is important. Lot of parents say ki ye kuch baatein to friends se hi seekhni chahiye, but that's not it. How many kids are taught about consent? If kids were aware of all of these things, they wouldn't engage into such activities. Thank you.